अब हम अनुरोध करना चाहेंगे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आर एस कुशवाहा जी आए अपने विचार प्रकट करें। सर्व समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करता हूं। नामांकन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नौजवानों की धड़कन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मंच पर उपस्थित हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश मिश्रा जी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद आदरणीय अहमद हसन साहब तथा मंच पर उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मंचस्थ नेतागण, सम्मानित सांसद, सम्मानित विधायकगण और सामने बैठे सभी समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों, साथियों जब से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है तब से केंद्र और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के पेट में तेजी से दर्द शुरू हो गया। सोते जागते उठते बैठते दिन रात केवल गठबंधन के बारे में तथा हमारी राष्ट्रीय दोनों पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के बारे में अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। देव प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी जी कभी सांप शत्रुधर के साथ बताते, राष्ट्रीय पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब हमारे गठबंधन को लूट का गठबंधन बताते। और हद तब हो गई जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे गठबंधन को शराब की संज्ञा देते। मुझे तो लगता है या तो उनके सत्ता का नशा है या वास्तव में उन्होंने वो पी करके अनर्गल बयानबाजी हमारे गठबंधन के बारे में करते हैं। इसका मतलब साफ है कि आज गठबंधन मजबूत है, ताकतवर है और गठबंधन के सामने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने घुटने टेकने का काम किया है। अब गठबंधन ताकतवर है और उत्तर प्रदेश में 78 लोकसभा की सीटें गठबंधन लड़ रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि 78 लोकसभा सीटें गठबंधन जीतेगा और देश में गठबंधन की बात सरकार बनेगी, जुमलेबाजों की सरकार बनने वाली नहीं है। क्योंकि जुमलेबाजी करके 5 साल पहले तमाम सारे वादे किए, विदेशों से काला धन लाने वाली बात हो, गरीब के खाते में 20-20 लाख रुपए जमा कराने वाली बात हो, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात हो, सारे के सारे वादे खोरे जुमलेबाज साबित हुए। विदेशों से जमा 1 पैसा काला धन नहीं आया और नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दे रहे थे। अगर 5 से गुणा कर दो तो 10 करोड़ नौकरियां होती, लेकिन सत्ताधारी जुमलेबाजों ने कुल 4 लाख नौकरी देने का काम किया है जो रूटीन भर्ती होती है। यानी नौजवानों को धोखा दिया, गरीब के खाते में पैसा न भेज करके गरीब को भी धोखा देने का काम किया। विदेशों से 1 पैसा नहीं पैसा नहीं आया बल्कि अपने देश का आप सबका गाड़ी का मालिक पैसा, कभी नीरव मोदी लेके भाग जाते, कहीं बीजा मोहल्ला देश छोड़ के भाग जाते हैं, 1 पैसा ला नहीं पाए बल्कि देश का पैसा विदेशों में चला गया और देश का चौकीदार सोता रह गया। इसलिए साथियों आज समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की देव उसी दिन से पड़ गई थी जब उत्तर प्रदेश में 4 बाई इलेक्शन हुए थे, डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम ने भी अपनी सीटें छोड़ी थी। चारों सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे और हमारी पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी ने एक छोटा सा इशारा किया था अपने कार्यकर्ताओं को कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। समाजवादी पार्टी के चारों प्रत्याशी चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी चारों जगह पे चुनाव हार गई, चारों खाने चित हो गई थी। गठबंधन की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी। आज पूरे देश में 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं, 5 पे
जो तीन जगह इनकी सत्ता थी लेकिन पांचों पर इनको हार मिली है। आज उत्तर प्रदेश लेकर पूरे देश में गठबंधन की आंधी है। साथियों, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं और अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों का जो कन्नौज लोकसभा में आते हैं, सभी से अनुरोध करने आया हूं, अपील करने आया हूं। हम सबकी नेता आदरणीय महेश जी ने जो गठबंधन किया है और पार्टी कार्यालय पे बुला करके अपने एक एक कार्यकर्ता पार्टी पदाधिकारी साथियों को निर्देश दिया है, जहां जहां समाजवादी पार्टी लड़ेगी वहां वहां हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जीता करके और लाखों वोटों से जिताने का काम करेंगे। क्योंकि जहां जहां बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा निर्देश है कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना वोट देकर के मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में ईमानदारी से लगा हुआ है। और मैं खुद स्वयं 71 लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर क्षेत्र देवरिया से चुनाव लड़ रहा हूँ, वहां ईमानदारी से सारे समाजवादी पार्टी के लोग लगे हुए हैं। इसलिए अपील करने आया हूँ, जो भी हमारी पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी हैं, ईमानदारी से आदरणीय बहन जी का निर्देश मान करके अपना एक एक वोट अपने समर्थकों का वोट दे करके आदरणीय डिंपल यादव जी को लाखों वोटों से जिता करके इस बार दिल्ली भेजने का काम करेंगे, ऐसा भरोसा जताते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आदरणीय मुख्यमंत्री का आभार, धन्यवाद।